नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एलआई क्लासेस में। आज का जो आपका टॉपिक है वो रहेगा रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई क्या होता है? इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में किस तरह का रिलेशन है, रिलेशन है भी या नहीं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपको पता है, पिछले लेक्चर से बता चुका हूं मैं पहले, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी? मैं तो सीधी सी बात है फॉर्मूले के हिसाब से बात करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? विच इज इक्वल टू 1/4πε0r, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जी? V इक्वल टू 1/4πε0qr। देखो, अगर मैं दोनों की डेफिनेशन लिखूं और तब रिलेशन निकालने का सोचूं तो ये तो बेवकूफी होगी कि दोनों की डेफिनेशन लिख दो, उनके आपस में रिलेशन नहीं। दोनों का फॉर्मूला देखो क्या, जब कभी भी तुम कोई रिलेशन निकालते हो, जैसे कि तुमने आपसे पहले कौन सा रिलेशन निकाला था कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्लास 11th में रिलेशन निकाला था, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। तो आपने दोनों का फॉर्मूला लिखा था और दोनों को डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी किया था, मतलब डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन कुछ ना कुछ तो करना होगा, उसके बाद कोई जाकर रिलेशन निकलेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, दोनों को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो आपको करना है करो, लेकिन मुझे इस बात से मतलब है, कुछ भी करके रिलेशन चाहिए। इससे कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो देखा जाए तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और ये आर वहां गया, ये आर स्क्वायर एज इट इज, तो ई अपॉन वी इक्वल टू क्या आया, ये आर अपॉन आर स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हुआ तो ई अपॉन वी कह सकते हैं 1/r, तो ई इक्वल टू क्या आया, वी अपॉन आर। E is equal to क्या है, V upon R। E is the electric field, V is the electric potential and R is the distance from the charge, point charge कह सकते हो। अच्छा, तो मतलब कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट यही रिलेशन आएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक इन दोनों फॉर्मूला को रिलेट करके हम ये निकाल पाए तो ऐसा ही कुछ आने वाला है। ये नहीं आएगा लेकिन ऐसा ही कुछ आएगा। अच्छा, V क्या है जी? V होता है पोटेंशियल मेजरिंग वोल्ट, एंड आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस विच इज इन मीटर। तो आज से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की इस फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन बना, उससे एक यूनिट बनी, क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नई यूनिट बनी, और ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की नई यूनिट। लेकिन मैं तो रिलेशन बता रहा था भाई, रिलेशन ही तो बताया मैंने अभी, ये रिलेशन है तो E is equal to V upon R, E is the electric field, V is the electric potential and R is the distance, फॉर्मूला ही तो है। अच्छा, कैसे आया, दोनों को डिवाइड कर दिया, किसको डिवाइड कर दिया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो फॉर्मूला था दोनों को डिवाइड करते हैं, उससे रिलेशन निकल जाता है। लेकिन मुझे तो एक एग्जैक्ट रिलेशन चाहिए कि देखो बिल्कुल प्रॉपर वे में, जिस तरह से डेरिवेशन तुम्हारे में है और वो रिलेशन मैं तुमको बता दे रहा हूं इसी से मैच करता हुआ है कुछ। क्या है वो जी? E is equal to माइनस के dv अपॉन dr, ये रिलेशन है एग्जैक्ट जो सही में रिलेशन है तो मिलता जुलता ही, ये और ये है तो मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें यहां वेक्टर आता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो यहां वेक्टर नेगेटिव साइन कोई ना कोई डायरेक्शन पक्का इंडिकेट करता होगा। ये थोड़ी स्केलर सी फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म, अरे कौन सी वेक्टर। तो मेरे को तो यही प्रूफ करनी है। और हाँ, ये जो रिलेशन है ना, इस पे तुम्हारे इतने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr पे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो अब तक आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमें एक रिलेशन थोड़ा सा जायजा मिल चुका है कि क्या रिलेशन होने वाला है। तो वो रिलेशन कुछ ऐसा होने वाला है, E इज इक्वल टू v अपॉन r, जैसे v इज द पोटेंशियल, r इज द डिस्टेंस, यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये वोल्ट, वोल्ट पर मीटर जैसी यूनिट होने वाली है। तो चलो इसे प्रूफ देखते हैं। मान के चलो पॉइंट O है, क्या है, पॉइंट O, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन है। मान के चलो पॉइंट O है जिस पर एक प्लस का पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, प्लस का पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है। मान के चलो यहां एक A पॉइंट है, क्या है, A पॉइंट, कितना डिस्टेंस दूर है, R डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, R। मान के चलो इस पॉइंट A से यहां कोई पॉइंट B है, जहां A से आपको B तक एक चार्ज मूव कराना है, दोबारा सुन मेरी बात को अच्छे से,
ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है कहां, ओपन, ठीक है, पॉइंट चार्ज कितना है प्लस क्यू। आपको एक टेस्ट चार्ज ए से बी तक लेके आना है, क्या रहा है, टेस्ट चार्ज ए से बी तक लेके आना है, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज यहां रखा हुआ है, आपको एक टेस्ट चार्ज ए से बी तक लेके आना है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ठीक है जी। ये टोटल डिस्टेंस आर है, तो इसका थोड़ा सा जो ये पार्ट होगा ये कह दो आप कितना होगा, डी आर होगा। ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का कितना है डी आर। तो इस पॉइंट सॉरी इस टेस्ट चार्ज ने यहां से यहां तक चलने के लिए, ए से बी तक चलने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, डी आर। अच्छा चलो ठीक है, क्या इस चार्ज ने इस चार्ज पर कोई फोर्स लगाई, जी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये रिपल्शन होगा, सीधी सी बात है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसने इस पर कुछ फोर्स लगाई इधर, या कह दूं इस चार्ज का इस चार्ज पर या इस पॉइंट पर फील्ड कुछ ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इधर, ठीक है ना। अब आप चल रहे हो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ इस तरह से चल रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा जी, वर्क तो तब करना पड़ेगा, पहले फोर्स तो लगा लो, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी जी, फील्ड कितना है ई, चार्ज कितना है क्यू, तो एफ बराबर होगा क्यू नोट इंटू ई। यार ये कैसे हो गया जी, हम जानते हैं ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नोट। The force experienced by per unit test charge is called electric field intensity. क्या वेक्टर नहीं होते जी, वेक्टर भी बिल्कुल होता है, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो F वेक्टर इक्वल टू होगा Q E वेक्टर। अब सवाल ये उठता है, आपने फोर्स किधर को लगाई, इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है उधर को, तो दोनों ऑपोजिट है, इक्वल टू नेगेटिव आ गया। अच्छा जी, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है भाई, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट। जो आपने फोर्स एक्सर्ट की, द फोर्स एक्सर्ट जो आपने की है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला चार्ज इस पर लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए क्या आया है, जो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी वो माइनस की होगी। एक्चुअली माइनस जो है ना सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो फील्ड के अगेंस्ट लगा रहे हो, ठीक है। अच्छा तो अगर आपने फोर्स लगाई और चार्ज यहां से यहां मूव भी कर गया, तो सीधी सी बात है वर्क भी होगा। देखो वर्क कब होता है, वर्क तब होगा जब आप फोर्स भी लगा दो और फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए, तो वर्क है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वर्क नहीं है। अच्छा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ी सी फोर्स, और अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी फोर्स तो थोड़ा सा ही वर्क होगा, कितना होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा एफ वेक्टर डॉट डी। समझ में आ गई बात बेटा, यही तो हमने सीखा, वर्क यही तो होता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा जी, डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ वेक्टर की जगह क्या रख देंगे, इसको रख देंगे माइनस के क्यू नोट वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा डी आर वेक्टर। समझ में आती है बात। अच्छा इस अब आप इसको यहां पर ले आओ, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। अच्छा भाई ये क्या होता है जी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या जानते हैं हम, ये क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from a point to another point in the electric field, यही तो होता है electric potential, electric potential difference की definition। तो ये dW upon Q naught क्या हो गया, ये हो गया जी dV। भाई ये तुमको बात समझ में आई है नहीं आई है, dV क्या होता है, dV is the potential difference। तो electric potential difference की definition के according क्या होता है, the amount of work done to carry a unit positive charge from a point A या from a point to another point इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट द फील्ड, ये तो डेफिनेशन थी। तो ये क्या हो गया, डीवी हो गया और इक्वल टू हो गया माइनस के ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और भाई इसको डी आर को यहां पे ले जाओ, माइनस इधर लेके आ जाओ, तो कह दू ई वेक्टर हो गया ये माइनस के डीवी अपॉन के आर वेक्टर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक, इक्वल टू माइनस के डीवी अपॉन डी आर कैसे है। अच्छा
जी हम तो वो लेके आए थे पहले भाई, देख ये और ये क्या इससे मिलता जुलता नहीं है, वो क्या है v अपॉन r, ये भी क्या है dv अपॉन dr लेकिन माइनस के, भाई बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है वो, बस एक मैंने जायजा लिया था कि ऐसा कुछ रिलेशन निकलेगा जरूर। वहां से यूनिट क्या निकली, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। यहां से भी क्या है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल, भैया है तो पोटेंशियल ही, इट मीन्स यूनिट क्या होगी, वोल्ट क्या होगी, वोल्ट अपॉन डिस्टेंस क्या है dr, dr चेंज इन डिस्टेंस दैट इज वोल्ट, और सो डिस्टेंस तो ये क्या होगा वोल्ट पर मीटर, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यूनिट क्या आ गई आपकी, वोल्ट पर मीटर, डायमेंशन आप निकाल सकते हो, ठीक है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा लेकिन मुझे तो इसका यूज बताना है कि चलो ठीक है E इक्वल टू माइनस के डीवी अपॉन डीआर आ गया, लेकिन करेंगे इसका ये है क्या, चलो तुमने बता दिया कि इससे आप यूनिट निकाल सकते हो, इस यूनिट से चलो ठीक है ये यूनिट के न्यूमेरिकल में आएंगे, हम यूज कर लेंगे डायरेक्ट। हमने कहीं वोल्ट पर मीटर देखा, मैंने देखा कि 2 वोल्ट पर मीटर, मैं समझ जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है सवाल में चाहे वो कहे या ना कहे, लेकिन इस फॉर्मूले को मैं कहां किस तरह से यूज करूंगा। और क्या इसका तो आप बोल रहे थे कि कॉन्सेप्शन में बहुत ज्यादा यूज होगा, जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल यूज होगा, ये कम से कम ये समझ लो कम से कम 10 सवाल इससे आराम से क्लियर हो जाएंगे, और जो सारे मतलब ओरली सवाल होंगे कि वो तो तभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है इतना ही इस वीडियो में, इसका जो कंक्लूजन वगैरह या रिजल्ट वगैरह जो भी इसका यूज वगैरह होगा कि आपको इसको कहाँ कैसे यूज करना है वो नेक्स्ट लेक्चर किसी